हेलो फ्रेंड, नमस्ते, जय माँ ज्वालपा। कैसे हो आप सब? आई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। हाँ, मैं भी बढ़िया। और सुबह की बजनी है 6:30, और मैं नहा धो के पूजा पाठ करके मंदिर में पूजा पाठ करके आ गई हूँ। अब मैं किचन में आ गई हूँ, चाय वगैरह बनाते हैं, उसके बाद नाश्ता वगैरह बनाते हैं। तो फिर चलो फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। और मेरी आँख ना सूज रखी है। और फ्रेंड, अब हो गई हैं 7:15 हो गई हैं। तो ये मैं बना रही हूँ, ऑर्डर आ रखा है, तो ये मैंने बना रखे हैं परांठे। ये देखिए मेरे परांठे फूले फूले से, और इधर बन रहे हैं परांठे, और इधर आ रखा है आलू की सब्ज़ी और पूरी का ऑर्डर। तो मैं आलू की सब्ज़ी और पूरी का ऑर्डर आ रखा है, तो मैं बना रही हूँ। आलू की सब्ज़ी बन गई है, और इसमें मैंने करेले भरवा करेले बना रखे हैं अपने लिए। तो और ये मैंने पूरियाँ बेल रखी है, तो मैं शिल्प में ही बेलती हूँ। पहले सुबह उठ के सारी शिल्प वगैरह साफ करते हैं। ये मैंने रोटी बना रखी है एक गाय के लिए, बाकी अपने लिए। ये बना दी है हमने आलू की सब्ज़ी, और इसमें डाल दिया है हमने हरा हरा धनिया। धनिया डाल के अलग ही स्वाद होता है। तो चलो फिर मैं पैक करती हूँ। और फ्रेंड, ये बना दी है मैंने पूरी, 4 पूरी का कॉम्बो है। और अभी बच्चे सो रखे हैं सब। तो फ्रेंड्स, ये कर दिया है मैंने पैक, परांठा आलू पूरी की सब्ज़ी, और इधर मैंने भिंडी धो के इसका पानी सुखा दिया है, तब गीली गीली नहीं होती। फ्रेंड्स, ये बना रखे हैं मैंने भरवा करेले, और ये मैंने अपनी ही स्टाइल में बना रखी हैं भर के, और वैसी फ्राई करे हैं मैंने कम तेल में। तो आज कढ़ाई भी जल गई है इनके चक्कर में। तो ये देखें मेरे भरे करेले, बड़े बड़े थे, मैंने छोटे छोटे पीस काट के बना रखे हैं। टेस्टी टेस्टी करेले मुझे बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी है, मेरे हस्बैंड को भी। तो करेले हमारे सूखे करेले डेली बनते हैं, और भरवे करेले तो कभी कभी बनते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा भरवे करेले पसंद हैं। और आज मैंने खूब कम तेल में ना सुखा रखे हैं, कढ़ाई भी जल गई है इनके साथ साथ। फ्रेंड्स, बहुत तेज़ बारिश आ रखी है, सुबह की बज रही है 7, और ये देखिए कितनी तेज़ बारिश है। आवाज़ से आप पता चल ही जाएगा कितनी तेज़ बारिश है। बस ऐसी रहनी चाहिए आज दिन भर, ऑफिस के टाइम में बंद हो जाए, और बारिश रात को आनी चाहिए, सुबह के टाइम में आनी चाहिए, क्योंकि कई परेशानी हो जाती है ऑफिस वगैरह जाने की, मेन स्कूल जाने का। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय श्री राम। आज बहुत तेज़ बारिश लगी हुई है 6:30 बजे से। ये देखिए बाहर बारिश, देखिए बारिश बहुत तेज़ है। और फ्रेंड्स, आज मैं भी जल्दी उठ गई थी, और अभी हो रही है 7:45, और मैंने सारा घर का काम काज कर दिया, नहा धो के दिया बत्ती भी कर दिया है, और बैठ गई हूँ मैं। अब सब्जी बना रखी है मैंने कुंदरू की, कुंदरू होते ना छोटे छोटे, और रोटी बनाऊंगी बस अभी 8:15 बजे बनाऊंगी रोटी। बच्चे तो सो रखे हैं, उनके लिए बाद में बनाऊंगी। रात सारा घर का काम काज कर दिया मैंने आज। मैं 5 बजे उठ गई थी क्योंकि नींद खुल गई थी, इसलिए। तो देखो बहुत तेज़ बारिश हो रखी है बाहर, देखिए मौसम कैसे हो रखा है। ये मैंने पूरी साफ सफाई कर दी है घर की। सब जगह अंधेरा हो रखा है, अब जाऊंगी किचन में। बाहर मैंने जीने की भी धुलाई करी, गैलरी की भी धुलाई करी। मौसम ना काफ़ी चिपचिपा हो रखा था, अब मौसम तो एकदम मतलब गर्म नहीं है। बाहर तो अच्छी अच्छी हवा चल रही है, लेकिन अंदर ना उमस हो रखी थी। तो कल भी आ गई थी दिन में, खूब बारिश आ गई थी दिन में, तो काफ़ी अच्छा हो गया था मौसम। तो हम लोगों ने जैसे AC चलाए थे, तो थोड़ी देर चलाए लेकिन ठंड लगने लगी, फिर हमने बंद कर दिया। तो हम सारी रात पंखे में ही रहे, और अभी भी देखो बारिश आ गई, तो बहुत अच्छी हवा चल रही है, लेकिन अंदर तो थोड़ा उमस हो ही जाती है ना,
पर अभी पंखे में ही है, पंखा थोड़ा कम कर रखा है, थोड़ा अच्छा है। खिड़कियाँ वगैरह देखो, इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं, सब खोल रखी हमने, पीछे की साइड की भी और आगे की भी। तो मौसम हो गया बहुत मस्त हो गया है। और पता नहीं ऑफिस वाले कैसे जाते हैं, स्कूल वाले बच्चे ना, नीचे से आवाज़ आ रही है, तो जिनकी गाड़ियाँ नहीं होगी तो बच्चे कैसे जाएंगे ऑफिस वाले। सुबह के टाइम नहीं आनी चाहिए बारिश, रात जितनी मर्जी आ जाए। तो चलो फिर मैं भी जाती हूँ अब नाश्ता बनाने, रोटी बनाने मतलब। और फ्रेंड ये देखिए हमारे सेफ बना रहे हैं। हेलो, क्या बना रहे हो आज आप? ये चिल्ली पोटैटो फ्राई हो रहे हैं, इसके बाद उसका मसाला उधर बन रहा है, अभी बनाते हैं, फिर बनेंगे चाउमीन। और आज आ रखा है चिल्ली पोटैटो, और चिल्ली पोटैटो का ऑर्डर, तो ये अभी हाफ फ्राई हैं। जब ये 12:30 बजे देने हैं तो ये 12:15 बजे इनको रेड दोबारा फ्राई करेंगे, नहीं तो ये वैसे हो जाते हैं, गुदगुदे हो जाते हैं। और ये इधर हमने चाउमीन बॉईल करके रख दी है, और इधर अभी चिल्ली पोटैटो ये आधे ये हैं, इधर चावल भिगा के रख दिए हैं। इधर हमारे शेफ ने चिल्ली पोटैटो वाली जो मोमोज वाली चटनी होती ना वो बना दी, बहुत टेस्टी है। और पहले भी बना रखी थी वो, हम तो खुद अपने आप ही खा गए थे। ये चिल्ली पोटैटो का मसाला है, और इधर बन रहा है चिल्ली पोटैटो का मसाला। फिर इसके मसाला बनाने के बाद इसके बाद बनेगी चाउमीन, इसके बाद बनेगी ना चाउमीन। चलो ये इतने फ्राई कर दिए हैं, अभी ये दोबारा फ्राई होंगे, पहले चाउमीन बन रहे हैं। ये देखिए ये देखना, इसमें हमारी चाउमीन पैक हो गई हैं, और ये हैं हमारे चाउमीन के डिब्बे, तो इसमें 5 डिब्बे पैक हो गए हैं। अगर मम्मी वो खुले ये मन, ये बची चाउमीन है, ये हम लोग खाएंगे आज। मम्मी बात आज बना रखी है मैंने डिनर में चचिंडे की सब्जी, ये हमारे उत्तराखंड में बहुत होते हैं, लेकिन ये उत्तराखंड के नहीं है, ये देसी चचिंडे यहाँ के ही हैं। और इसमें ना मैंने कच्चा दूध डाल रखा है, कच्चा दूध डाल के ना बहुत अच्छा स्वाद आता है, खूब अच्छे से। अभी थोड़ा इसको 5 मिनट, इसको पक गई है पर 5 मिनट इसको और पकाऊंगी, टेस्टी टेस्टी सब्जी। बच्चे इतना पसंद नहीं करते हैं, हम तीनों जने खाएंगे।